जी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के जो संयोजक गण है प्रोफेसर Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Dr. Raju ji and Subhash ji, और आपके जो टीम है उसके द्वारा जो NSS के बच्चे हैं उनके द्वारा साइकिल रैली के रूप में एक पूरे अजमेर शहर को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें पूरे अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी के साथ साथ हेल्दी सिटी भी बनाना है. ये बेहद अच्छी पहल है कि आज TV, मोबाइल और इंटरनेट के युग में बच्चे बाहर निकलकर और साइकिलिंग जैसा कार्य करके एक पूरे शहर को एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनना चाहिए और हेल्दी और फिट रहना चाहिए, जो आज के समय की मांग भी है और बहुत आवश्यक भी है. ताकि हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा पूरा देश स्वस्थ बनेगा, और यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कई प्रकार की बीमारियाँ घेर लेती हैं और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ये वाकई में मैं MDS और उसके आयोजक गणों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी सुखद और सकारात्मक पहल करी है. ये एक संदेश है कि जिसमें स्वास्थ्य के प्रति जिस प्रकार हम विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक जागृति और जागरूकता करते हैं, उसी प्रकार से आपने स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता अभियान चलाया है. ये बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय है. मैं आप सभी को इसके सक्सेस होने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं. धन्यवाद. आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की NSS इकाइयों द्वारा साइकिलेथॉन रैली का आयोजन 3 किलोमीटर का पुरानी चौपाटी से लेके नई चौपाटी तक किया गया है. ADJ श्री शक्ति सिंह जी ने इनको प्रातः हरी झंडी दिखाई. विद्यार्थियों के द्वारा और NSS इकाइयों द्वारा संपूर्ण अजमेर को यह मैसेज दिया जा रहा है कि साइकिल चलाएं, पर्यावरण को स्वस्थ रखें और साथ साथ ही स्वयं को स्वस्थ रखें. ये इसका मुख्य मोटो है. NSS इकाई के सभी विद्यार्थी, NSS मेरे साथ साथ में NSS यूनिट के प्रभारी डॉक्टर अरविंद पारीख और डॉक्टर लारा शर्मा एवं अन्य शिक्षक इसमें मौजूद रहे हैं. इसमें 50 छात्रों ने भाग लिया है तीनों इकाइयों से. आपका नाम? मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र, संयोजक NSS इकाई महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर.